मिस शबनम, मिस शबनम, यस सर, हाँ, तो इसका आंसर गया इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो इसी में जो पोर्टफोलियो सिस्टम, अभी जो कैबिनेट सिस्टम आप करंट देखते हैं, इसका जनरल सही है काउंसिल एक्ट 1861। ऑर्डिनेंस भी यहाँ से ही आया, ये भी ध्यान रखिएगा। ये वाला क्वेश्चन फटाफट देख लीजिए, तो इसका आंसर बताइए मेरे को फटाफट। शबनम तुम कुछ खा रहा है? शबनम सर नहीं खा रही। झूठ बोलता है, तुम कुछ खा रहा है, झूठ बोलता है। क्या अकेले अकेले खा रहा है? हम लोग शेयर भी नहीं करेगा। सर सी मेरे भाई अभी आंख के अंधे हो क्या? अभी आप लोगों को 50 बार बोला कि मैडम कामा ने नेशनल फ्लैग पेरिस में नहीं स्टुटगार्ट में फैलाया था, वहां स्टूडेंट या पेरिस लिखा है, तो गवर्नमेंट आंसर क्या होगा? यस वो प्राइवेट सेक्रेटरी भी थी दादा भाई नारोजी की सेकंड। सही है, तो ऑब्वियसली आंसर भी यस होगा। सर, ये करेक्ट मिस्टर नंदा जी सर। आ रहा है समझ में सर? हाँ सर, तो याद रखना स्टुटगार्ट जर्मनी में है। होम रूल मूवमेंट, अब होम रूल मूवमेंट का क्या मतलब है? हमने देखा था कि बीच में 1911 में पार्टीशन एनल हो गया, बहुत सारे एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स को जेल में डाल दिया गया, लेकिन फिर धीरे धीरे जेल से निकल रहे थे, 1914 में निकले, और ये आना चाहते थे कांग्रेस में, लेकिन तभी भी बहुत सारे दबंग लीडर एक्टिव थे। फिर उस समय था गोपाल कृष्ण गोखले। फिर क्या हुआ, गोपाल कृष्ण गोखले मर गए, फिर उस समय तक अभी इन्फ्लुएंस कम हो गया, और धीरे धीरे तिलक की एंट्री हो गई, जिसको कि हम लखनऊ पैक्ट बोलते हैं। लखनऊ पैक्ट में बहुत हैप्पी एंडिंग हो रहा है सबका, एक्सट्रीमिस्ट मॉडरेट सब मिल रहे हैं। उसी टाइम एक लीडर बहुत एक्टिव हो गई थी, उनका नाम था एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट जो थी वो आयरिश थी, और मतलब बाहर से आई हुई थी। वो बोलती थी कि इंडिया को होम रूल के बारे में बात करना चाहिए, कि हम लोग खुद अपने आप को रूल करें, आप हमें देख सकते हो, क्वीन हमारा सेम रहेगा, लेकिन हमें आप कुछ पावर तो दो। तो वो बोलती थी कि हम होम रूल मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। तिलक आ गए थे जेल से छूट के, तो उन्होंने बोला तिलक सर आप और मैं मिलके होम रूल स्टार्ट करते हैं अलग अलग एरियाज में। तो तिलक सर ने बोला ठीक है। एनी बेसेंट तभी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल थी एज कम्पेयर टू तिलक, ऑल्दो दैट इज डिबेटेबल, यू कैन ऑलवेज डिबेट कि कौन ज्यादा इन्फ्लुएंशियल था, लेकिन इनको लगा कि बात करनी चाहिए कि हम होम रूल आप दो इंडिया को, इन लोगों को आप होम रूल दो। आई थिंक 1933-34 में एनी बेसेंट मैम मर गई, उससे पहले तक वो कंटिन्यूअसली इसके बारे में लड़ती रही। ये बहुत बड़ी बात होती है कि कोई फॉरेनर आए और वो हमारे बारे में इतनी सारी बातें करे। तो ठीक है, फिर उसके बाद इन लोगों ने दो तरह के होम रूल स्टार्ट किए, एक तिलक का होम रूल और एक मैडम का होम रूल, अलग अलग एरियाज में दोनों एक्टिव थे। होम रूल मतलब कि आप हमें होम रूल दो, एक तरह का हम लोग कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं मांग रहे हैं, कि आप हमें एक होम रूल दीजिए। होम रूल मतलब कुछ तो पावर दीजिए हमें, कि हमारे जो लोग हैं, इंडियन जो लोग हैं, वही रूल करें हमारे ऊपर, कुछ मतलब रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का कोई भी फॉर्म आप हमें दीजिए। ये वो बात कर रहे थे। तो तिलक ने भी सेट किया होम रूल, इन्होंने भी सेट किया होम रूल। होम रूल मतलब अलग अलग एरियाज में बहुत सारे एक्टिविस्ट एक्टिव थे, और ये लोगों में फैला रहे थे बात कि आप बोलो कि हमें होम रूल चाहिए, आप बोलो कि इंडियन लोगों को आप ज्यादा रिप्रेजेंटेशन दो लेजिस्लेटिव काउंसिल में, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप एनी बेसेंट मैम के बारे में कुछ चीजें ध्यान रखिएगा, कि वो पूछ सकता है कि इंग्लैंड नीडेड इंडिया अपॉर्चुनिटी, ये किसने बोला? ठीक है, उसके बाद वो प्रेसिडेंट कब बनी इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ठीक है, केम टू इंडिया 1893, कब उन्होंने लॉन्च किया होम रूल लीग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कब वो मरी 1933, इतना कोई नहीं पूछेगा कब वो मरी, बट इतना ध्यान रखना है कि वो बहुत ही जेन्युइन, मतलब क्या बोलते हैं, कंसर्न था उनका इंडिया के बारे में, और वो थियोसॉफिकल सोसाइटी की मेंबर थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी में क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, थियोसॉफिकल सोसाइटी क्या आता है कि हमें जैसे एक फिलोसफी होती है अरे यार ये बड़ा अजीबो सा अजीबो गरीब है, थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है ये बहुत डीप बातें करता है। डीप बातें का क्या मतलब होता है कि जैसे एक कॉन्सेप्ट होता है उपनिषद में आत्मन ब्राह्मण का, एक होता है आपका रियालिटी, होता है यूनिवर्स का रियालिटी, और हम लोग ये जो डेथ और लाइफ और बर्थ का जो लाइफ और डेथ का जो साइकिल है, इससे हम ऊपर उठ जाएंगे इफ आत्मन मर्जेस विद ब्राह्मण। तो ऐसी कुछ बातें ये कर रहे थे कि दिल से दिल मिलाओ, भगवान से, गॉड से अपना दिल मिलाओ, रिलीजियस बात रिलीजियस बातें, और बहुत डीप टाइप की बातें हैं, जैसे कि वो शबनम कभी कभी स्टेटस में डालती हैं, जो नॉर्मल लोगों को उतना समझ नहीं आता। तो एक क्वेश्चन ये भी था कि थियोसॉफिकल सोसाइटी क्या बातें करता है, ये बहुत पॉपुलर हुआ, बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं था ये मासेस में, लेकिन ये थियोसॉफिकल सोसाइटी का मेंबर बन के आई थी। कभी कभी ये भी पूछता है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी का फाउंडर एनी बेसेंट थी, दैट इज रॉन्ग, वो ऑलकॉट, ब्लेवेट्सकी और ऑलकॉट, ये लोग उसके फाउंडर थे, लेकिन मेंबर थी एनी बेसेंट मैम। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ये सुना था ऑलकॉट आनंद? सर, उनका नाम क्या ऑलकॉट जिन्होंने फाउंडर? हाँ, ऑलकॉट और ब्लेवेट्सकी, ऑलकॉट और ब्लेवेट्सकी ये फाउंडर थे थियोसॉफिकल सोसाइटी के, और ये उनकी मेंबर थी, बहुत प्रोमिनेंट मेंबर थी ये। ठीक है, तिलक ने लॉन्च किया बेलगाम से, कर्नाटका से, एनी बेसेंट ने लॉन्च किया मद्रास से, ये लोग सब डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में एक्टिव थे, काफी सक्सेसफुल हुआ ये मूवमेंट। मोहम्मद अली जिन्ना ने भी पार्टिसिपेट किया। अब काम की बात है, कभी कभी वो आपसे पूछेंगे जर्नल्स के बारे में कि न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ ये किसने लिखा, एनी बेसेंट इसमें लिखती थी। तिलक जो थे उनके पेपर्स क्या थे, केसरी मेहरत का, यंग इंडिया, यंग इंडिया गांधी जी का भी पेपर था, तो ये सब थोड़ा ध्यान रखना है।
आर यू अंडरस्टैंडिंग कोई तरह सा शबनम वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो रहा है आप क्या करोगे सर रिकॉर्ड हो रहा है सर केसरी महारता ये सब तिलक का था और यंग इंडिया हमारा गांधी जी अरे यंग इंडिया भी तिलक का था यंग इंडिया बहुत सारी चीजें हैं एक और यंग इंडिया था वो गांधी जी का था आर यू अंडरस्टैंडिंग कोई तरह सा दो दो एक यंग इंडिया तिलक का दूसरा यंग इंडिया गांधी जी का न्यू इंडिया और यंग इंडिया में कंफ्यूज मत होना न्यू इंडिया एनी बेसेंट का है कॉमन वील एनी बेसेंट का है तो ये सब ध्यान रखना है समझ आ रहा है थोड़ा जल्दी चलो बेटा नहीं तो तीन लेक्चर लग जाएंगे हमें खत्म करने में भारत का कॉमन वील हाँ नहीं क्या बोल रहे थे बोलो बोलो शब्द बिना बोले कैसे कॉमन वील किसने लिखा है कौन लिखा है चल मेरे भाई आगे चलते हैं ये जो लिस्ट है इसको अगर तुम्हें कितने आते हैं इसमें से बताओ सर सी का 4 बी का 2 श्याम जी कृष्ण वर्मा इन्होंने स्टार्ट किया था इंडियन सोशियोलॉजिस्ट तो ए 2 है और एनी बेसेंट का वंदे मातरम एजुकेशन का वंदे मातरम नहीं था तो देखते हैं कि उससे सॉल्व होता है कि नहीं होता या हमें और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए था इस क्वेश्चन में A2C4 से सॉल्व होता है अगर एक मतलब दो भी पता था चार में से तो सॉल्व हो जाता है बी थ्री है मैडम पिताजी का मतलब तलवार और अरविंदो घोष वंदे मातरम तो याद रखिएगा ऐसे ठीक है पब्लिकेशन वंदे मातरम और अरविंदो घोष और मैडम पिताजी कामा का तलवार ठीक है आगे चलें एक्टिविटीज yes, क्या था होम रूल लीग का यहाँ पे क्या क्या कर रहे थे डेमोन्स्ट्रेशन एग्रीटेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा देख लीजिएगा इसको इम्पोर्टेंस क्या है ये भी देख लीजिएगा मीन्स में और डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या बातें हुई थी ठीक है लेकिन इससे ये हो गया कि ब्रिटिशर्स थोड़ा रियलाइज करने लगे कि अब इंडियन जो है वो सीरियस होते जा रहे हैं तो अब अगर ये थोड़ा स्वराज और राज की बात करें तो इसको एकदम हम ऐसा नहीं मान लेंगे कि पकड़ के जेल में डाल दो तो ये देखने को मिला जब मॉन्टैग डिक्लेरेशन आया फिर उन्होंने लिखा ये चीज कि हम समझ रहे हैं कि आप लोग अब ज्यादा एजुकेटेड हो गए हो अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो सो डिमांड फॉर होम रूल लीग और होम रूल रादर वुड नो लॉन्गर बी कंसिडर्ड सेडिशियस सेडिशियस क्या होता है आपने सेडिशन पढ़ा होगा आगे भी पढ़ोगे सेडिशन जब हम जीएस पेपर 2 पढ़ेंगे मेंस पर्सपेक्टिव से उसमें सेक्शन 124A है आईपीसी के अंदर जहाँ पे कि अगर आप कोई चीज गलत लिखते हो गलत बोलते हो इसीलिए बार बार हमें ये बोलना होता है कि वी लव आवर गवर्नमेंट इज द बेस्ट क्योंकि अगर वीडियोज इधर उधर जाते हैं मेरे कोई भी मेरे को पकड़ के सेडिशन के केस में डाल सकता है जेल में फिर मैं क्या करूंगा जेल से कैसे लूंगा मैं क्लास जूम वाला तो तुम लोग कैसे पढ़ेगा हैं सब तो रोने भी लगा सर जेल चला जाएगा फिर मैं मेरे को कौन पढ़ाएगा मेरा एग्जाम आगे चलें आई लव मोदी जी इज द बेस्ट बीजेपी इज द बेस्ट तो डिक्लाइन ऑफ होम रूल मूवमेंट अब क्यों डिक्लाइन हो गया पढ़ ले मेरे भाई पढ़ लेंगे इसको आगे भी वही हो गया कि कोई भी मास मूवमेंट बहुत लंबे टाइम तक नहीं चलता है कुछ लोगों का सपोर्ट नहीं मिला एक्सेट्रा एक्सेट्रा देख लीजिएगा इसको अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट इशू पे तिलक सर का यहाँ पे कुछ और इशू चल रहा था एक तो बेचारे तिलक सर हमेशा ही परेशान रहे इतने दिन जेल में रहे फिर 1918 में एक किताब लिखी गई इंडियन अनरेस्ट और उस इंडियन अनरेस्ट में तिलक सर को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बता दिया गया वैलेंटाइन चिरौल के द्वारा जिसने ये बुक लिखी थी और ये सर थे मतलब इनको नाइटहुड भी मिला हुआ था बड़े इंसान थे तो तिलक चले गए इंग्लैंड की अब इनको मैं हराऊंगा केस लड़ूंगा इनके अगेंस्ट हार गए बेचारे वो केस तो बड़ा ही दुख था तिलक सर के लाइफ में लेकिन जब वो मतलब मरने के बाद वो इतने फेमस हैं हम उनको इतना रिस्पेक्ट देते हैं लेकिन इससे आप समझते हो कि कभी कभी आपके लाइफ में प्रेजेंट लाइफ में बहुत परेशानी होगी लेकिन बाद में आप लोग याद रखेंगे लेकिन बाद में याद रखने का क्या फायदा जब प्रेजेंट लाइफ में परेशानी हुई तो फिर ये भी ध्यान रखिएगा कि ऑल इंडिया होम रूल लीग का बाद में वो मर्ज हो गया कांग्रेस कांग्रेस से और बाद में उनका नाम चेंज करके हो गया स्वराज्य सभा ये पूछा है किसी ने किसी एग्जाम में पूछा गया इनफैक्ट यूपीएससी में ही पूछा गया था कि स्वराज्य सभा किसका नाम था याद रखिएगा वो ऑल इंडिया होम रूल लीग का नाम था बाद में होम रूल लीग के जो मेंबर्स थे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस में मर्ज हो गया ठीक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ये क्यों इंपॉर्टेंट है छब्बू यादव छब्बू कहाँ चला गया खाना खाने चला गया क्या पराठा अरे सर मेरा तो अनम्यूट है आवाज नहीं आ रहा है
फूट पड़ गया था ना सर। हाँ उससे क्या हुआ? तुमको सर हिंदू मुस्लिम तुमको लग रहा है सर? जल्दी जल्दी आप बता दो ना, क्यों टाइम वेस्ट करते हो? टाइम इज मनी राइट नाउ। क्यों? यस सर बोलिए। क्या बोलूं? लॉट चेंज पढ़िए, ध्यान रखना कि वॉइस रॉय थे 16 से 21 के बीच में। इस एक्ट का दूसरा नाम क्या है? मॉन्टैग चेंज फॉर रिफॉर्म्स। मॉन्टैग सेक्रेटरी है, चेंज फॉर वॉइस रॉय है, ठीक है मेरे भाई। और इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट पहले मुस्लिम्स को दिया गया उसको एक्सटेंड किया गया सिख्स को, एंग्लो इंडियंस को, ऐसे करके बहुत लोगों को और दे रहे हैं वो सेपरेट इलेक्टोरेट। फिर एक चीज इंट्रोड्यूस की गई जिसको बोलते हैं डायरकी इन प्रोविंसेस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, डायरकी इन प्रोविंसेस। व्हाट इज डायरकी इन प्रोविंसेस? बाल को डाई करते थे वहां प्रोविंस में, इसको बोलते हैं डायरकी इन प्रोविंसेस। नो सर। ठीक है, डायरकी इन प्रोविंसेस का क्या मतलब होता है कि दो सब्जेक्ट बना दिया इन्होंने, जैसे भी होता है ना स्टेट लिस्ट और ये लिस्ट और वो लिस्ट, तो उन्होंने दो सब्जेक्ट बनाया प्रोविंसेस में, दस सब्जेक्ट एक ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। ठीक है, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट को वॉइसराय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल और वॉइसराय ये लोग देखेंगे, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाले लोग हैं ये लोग देखेंगे, और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट जो है ये लेजिस्लेटिव काउंसिल वाले देखेंगे। फालतू के सब्जेक्ट डाल दिया इसके अंदर और जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो रिजर्व सब्जेक्ट के अंदर डाल दिया। अब जैसे एग्जांपल बताता हूँ, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर डाल दिया ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में, लेजिस्लेटिव काउंसिल वाले देखेंगे, और इरीगेशन जिसमें कि पैसा वैसा आता था वो रिजर्व सब्जेक्ट में डाल दिया। ऐसे टर्म बहुत झगड़ा हुआ और बाद में 1935 एक्ट में ये डायरेक्टली हटा दिया गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग कोयता सर? यस। ठीक है, उसके बाद जो बाइकैमरलिज्म अभी देखते हैं, व्हाट इज बाइकैमरलिज्म? टू हाउसेस जो लोकसभा राज्यसभा। यार मैं ना फेमस होता जा रहा हूँ, बहुत सारे मैसेजेस आने लगे हैं आजकल मेरे को व्हाट्सएप पे, बहुत दुख है मेरी लाइफ में। ये क्या अच्छा ही है सर फेमस हो रहे हैं? नहीं फेमस नहीं होना चाहिए लोगों को, ये जो क्या बोलते हैं उसको, क्या बातें कर रहे थे, अरे छब्बू यादव। यस सर। तुम्हारे नाम क्यों लोग बदलते रहते हैं? छब्बू यादव किसने रख दिया तुम्हारा नाम? सर आपने। बाइकैमरलिज्म क्या होता है? अभी आप देखते हैं लोकसभा राज्यसभा ये सब चीजें आप देखते हैं, ठीक है। ये इसका जो जेनेसिस है ये 1919 एक्ट से आया है, उस टाइम ही, लेकिन उस टाइम नाम नहीं था इसका लोकसभा राज्यसभा, उस टाइम कुछ और ही नाम हुआ करता था। अभी मैंने आपको रिजर्व और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट बता दिया, डायरकी बता दिया। डायरकी हैज नथिंग टू डू विद बाल को डाई करना, डायरकी हैज समथिंग टू डू विद सब्जेक्ट्स को डिवाइड करना, ठीक है। और अभी आपको मैंने बाइकैमरलिज्म बताया कि दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। अभी जो आप देखते हैं ये लोअर हाउस अपर हाउस, उसको पहले लोअर हाउस जो लोकसभा है उसको पहले वो लोग लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते थे, इवन जो तुम्हारा सेंटर में था, और जो तुम्हारा अपर हाउस जिसको राज्यसभा बोलते हैं उसको काउंसिल ऑफ स्टेट बोलते हैं, अभी भी उसको काउंसिल ऑफ स्टेट हम बोलते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है। वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियन मेंबर्स बढ़ते चले जा रहे हैं। 1909 एक्ट में एक इंडियन मेंबर था, और उस इंडियन मेंबर का क्या नाम था? छब्बू यादव। छब्बू यादव नाम था उसका, क्या नाम था उसका, क्या नाम था उसका? सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा, एसपी सिन्हा था ना, एक ही इंडियन मेंबर था। अब बढ़ के तीन मेंबर हो गए हैं, तो धीरे धीरे करके इंडिया का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। जो पहले सेपरेट इलेक्टोरेट था जो मुसलमानों को मिला था, वो सिख्स को, इंडियन क्रिश्चियंस को, एंग्लो इंडियंस, यूरोपियंस, सबको मिल रहा है। तो ये सब पॉइंट थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। और देख लेना इंपॉर्टेंट चीज है, आपको मैंने चीजें बताई। अब एक जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग बहुत रट्टा मारते हैं साइमन कमीशन को, लेकिन समझते नहीं साइमन कमीशन है क्या। साइमन कमीशन सर जॉन साइमन के अंदर बना था, सारे लोग व्हाइट थे, मतलब सारे ब्रिटिशर्स थे, इंडियंस कोई भी नहीं था। इंपॉर्टेंट चीज जो है, एक सेकंड इसको देखना, स्लाइड में आ रहा हूँ, एक सेकंड देखिएगा। स्लाइड देख लिया, बोलो बैठे। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज जो है, साइमन कमीशन क्यों आया? हर कोई एक्ट जो होता है ना उसको वो देखते हैं कि एक्ट कितना काम कर रहा है, कितना सही है, कितना गलत है। तो 1909 एक्ट आया, और इस 1909 एक्ट के बाद 1919 एक्ट आया, और इसको इवैल्यूएट करते हैं वो सक्सेसफुल रहा, डायरेक्टली सक्सेसफुल है या नहीं है। तो इसको इवैल्यूएशन करने के लिए साइमन कमीशन बनी, या उन्होंने बोला था कि हम 10 साल बाद बनाएंगे एक कोई कमीशन जो चेक करेगा कि 1919 एक्ट कितना सही है, कितना गलत है, कितना सक्सेसफुल हुआ नहीं हुआ। इसीलिए साइमन कमीशन बना, जो 8 साल बाद ही बन गया, लेकिन फिर साइमन कमीशन के साथ नए नाटक हुए। तो आपको समझ में आ रहा है साइमन कमीशन क्यों आया था? जल्दी बोल वे। नहीं आया समझ में? क्या नहीं आया? नो सर। क्या नहीं आया बेटा? साइमन कमीशन क्यों आया था? साइमन कमीशन इसीलिए आया था क्योंकि छब्बू यादव ना खाना नहीं खा रहा था, छब्बू यादव को खाना खिलाना था,
वो इसीलिए आया था साइमन कमीशन, क्योंकि उसको चेक करना था कि 1919 एक्ट सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, हमें कोई नया एक्ट लाना है या नहीं लाना है, क्या करना है आगे जाके. दैट्स व्हाई साइमन कमीशन आया, कि कोई नए एक्ट की जरूरत है या इसी एक्ट को करने, सर. चेक करने कि ये सब नम पढ़ रहा है क्या करने. इंस्पेक्शन. हाँ हाँ ठीक है, आगे चले. इसको देखो जल्दी सर. अरे सुन ना गोविंद, खाना होगा खा सकता है. वो दीदी ऐसे बना के गई है. है देख ना, खिचड़ी है, सब्जी है, देख ना इधर जाके देख ना किचन सब्जी. हाँ Montag Chains for Reform जो है, ये बेसिस किस चीज का हो गया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का. आगे चलें शबनम. यस सर. थोड़ा फास्ट जा रहे हैं यार, थोड़ा ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है ना? ठीक है ना? यस सर ठीक है. बात नहीं सर. कोई बात नहीं शबनम, तुम्हारे लिए कर रहे हैं एग्जाम बेटा, थोड़ा जितना जल्दी करेंगे उतना ज्यादा कवर कर पाएंगे, है ना? यस सर. आगे चलते हैं, इसको देखो. ठीक है, हमेशा ना ये मत समझिए. हाँ. आपको ये पता है कि मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट जो है 1909 एक्ट में आया है, तो ये तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है. मुस्लिम के लिए थोड़ी ना आया था 1919 में, वो तो उन्होंने एक्सटेंड किया था सिख एंग्लो इंडियन क्रिश्चियन एक्सेट्रा के लिए. तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है. सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया तो ये और सी बचता है. लेजिस्लेटिव अथॉरिटी उन्होंने दी है प्रोविंसेस को, दो सब्जेक्ट्स में डिवाइड किया है, तो आंसर क्या होना चाहिए इसका? सी, 1 एंड 3. ठीक है, फटाफट इसको भी देख लीजिए, इस क्वेश्चन को. 2015 का क्वेश्चन है ये. एक्ट पे बहुत क्वेश्चन पूछने वाले हों, तो इसको थोड़ा अच्छे से देख लो. क्या क्या आवाज कट रहा है शबनम? सर मैंने कुछ बोला ही नहीं. तुम कुछ नहीं बोल के इतना कुछ बोल देते हो. नंदा ने बोला. नंदा तुम्हारे बैकग्राउंड से आवाज आया क्या? नो सर. सर मेरा बैकग्राउंड. तो मेरे भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो है, इसने क्या किया है? इसने सेक्शन बताइए सेंट्रल प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की. जुडिशरी और लेजिस्लेचर के बीच में कुछ भी नहीं कर रहा है. वो सेंटर का पावर क्या है, प्रोविंशियल्स का पावर क्या है, प्रोविंशियल्स के अंदर कौन से सब्जेक्ट है, इसकी बात कर रहा है. समझ में आ रहा है? कहीं हमने बोला कि जुडिशरी को क्या पावर दे रहा है वो? दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट जुडिशरी मैन. समझ में आ रहा है ना? तो वो बात क्या कर रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट किस पे लॉ बनाएगा, प्रोविंशियल्स वाले किस पे लॉ बनाएंगे, कैसे लॉ बनेगा. ठीक है, आगे चले. यस सर. जल्दी से बताओ इसका आंसर. करेक्ट सीक्वेंस बता रहा है फॉलोइंग इवेंट्स का. डी बोला आप लोगों ने. पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905. मान लेते हैं कि आपको लखनऊ पैक्ट पता है 1916. इंट्रोडक्शन ऑफ डायर की ये पता है कि लेट्स से ये 1919 में हुआ, इतना तो पता है ना. और रॉलेट एक्ट बीच में कभी हुआ है, मान लो कंफ्यूज हो थोड़ा, तो ये तो पता है कि सबसे पहले इसमें, और ये 1918-1919 इस टाइम हुआ है, मान लो आपको थोड़ा बहुत ही आइडिया है. तो सबसे पहले तो 4 होगा. 4 अगर होगा तो ये दोनों चले गए. 4 के बाद जो होगा वो होगा 1, लखनऊ पैक. क्यों बोला डी? क्यों बोलता आसा डी? व्हाई आर यू सेइंग? आर यू सेइंग डी बिकॉज़ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग माय बंगाली, और आर यू सेइंग डी बिकॉज़ यू वांट टू से डी? समझ में आ रहा है आंसर क्या होगा? डी. देख इसको. यस बी. वेरी गुड. जल्दी से देखो. मिस शबनम. यस सर. व्हाट डू यू थिंक, आज हमारा खत्म हो पाएगा मॉडर्न हिस्ट्री? रॉलेट एक्ट में क्या होगा आपको? ये प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है. प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ किसमें है? आर्टिकल हमारे आर्टिकल 22 में भी है. मेरे भाई आपने कितना होमवर्क दिया है आज आप लोगों को? सही ही. सेकंड होमवर्क दिया. हाँ एक ही. दूसरा होमवर्क लिखो, रीड अबाउट आर्टिकल 22. ठीक है. तीसरा होमवर्क लिखो. तीसरा होमवर्क है डिफरेंशिएट बिटवीन. ठीक है, डिफरेंशिएट बिटवीन फर्स्ट सिंपल मेजोरिटी, सेकंड स्पेशल मेजोरिटी, थर्ड एब्सोल्यूट मेजोरिटी, फोर्थ इफेक्टिव मेजोरिटी. ठीक है, डिफरेंशिएट बिटवीन सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी.
ठीक है। आप लोगों ने कभी ये टर्म सुना है, सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी, मेजोरिटी? शबनम इज लाइक, ये सब क्या है सर, ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं है। नहीं सर सुना है। अरे कहाँ पे, गुपचुप खा रहे थे वो जो ये दिया था उसके प्लेट के नीचे दिखा था लिखा हुआ? नो सर। चल मेरे भाई आगे चले। यस सर। चलो सर, तो याद ये रखिएगा कि रॉलेट एक्ट भी प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है। प्रिवेंटिव डिटेंशन का क्या मतलब है कि मान लीजिए हमें लगता है कि शबनम जो है कुछ बदमाशी करने वाला है आज रात में, तो पहले ही पकड़ के जेल में डाल दिया शबनम को, इसको बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। शबनम विल बी लाइक कि सर मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, तो हम लोगों ने क्या बोलना है फिर शबनम को कि आप कुछ करने वाले हो इसीलिए पकड़ के डाल दिया है, आप बहुत खतरनाक आदमी हो। और फिर इस तरह से अगर मैंने उसको रॉलेट एक्ट के अंदर पकड़ा तो मैं शबनम को कितने सालों तक जेल में रख सकता हूँ अजीत? आपको ये भी ध्यान रखना है कि इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, गांधी जी के बर्थडे के दिन। उनके पॉलिटिकल गुरु कौन थे? शबनम एकदम एक्टिव रहो, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। यहाँ पे पढ़ते जाइए, जॉन रस्किन, ये भी पूछा है अनटू दिस लास्ट किसने लिखा है जॉन रस्किन। और वो क्यों पूछते हैं? क्योंकि गांधी जी बहुत इन्फ्लुएंस थे, वो किताबें किताबें पढ़ते थे, हमारी तरह खाली बिग बॉस नहीं देखते थे वो। गोपाल कृष्ण गोखले ने उनको रेकमेंड किया था बुक्स पढ़ने के लिए, तो उन्होंने रस्किन का बुक पढ़ा था। अरे बाप रे बाप, जैसे कि तुम लोगों को मैं कभी रिकमेंड करता हूँ कि बिग बॉस देख लो या लॉकअप देख लो, तो उसी तरीके से उनको रिकमेंड किया था किताब पढ़ लो। ठीक है, जल्दी देखो उसको। बिग बॉस कब आने वाला है? पता नहीं सर। अरे यार तुम लोग पढ़ते नहीं हो, बड़ा दुख है। ठीक, अगेन ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपने अगर किया है तो आता है, नहीं किया नहीं आता है। अनटू दिस लास्ट जो किताब थी किसने लिखा है? अनटू दिस लास्ट सर जा 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 रस्किन। रस्किन, जॉन रस्किन मेरे भाई। तो उसमें वो लिखा है कि गुड ऑफ द इंडिविजुअल इज कंटेन्ड इन द गुड ऑफ द ऑल, मतलब आप कितना, आप क्या अच्छा करते हो ये इस पर डिपेंड करता है कि आप जो चीज अच्छा कर रहे हो उससे सबका भला हो या हो रहा है नहीं हो रहा है, इसी को बोलते हैं सर्वोदय कॉन्सेप्ट। ठीक है, सर्वोदय कॉन्सेप्ट। और ये आपको गांधी जी के टैलिस्मैन में भी मिल जाएगा, टैलिस्मैन पता नहीं जो भी बोलते हैं, मेरा उतना अच्छा इंग्लिश नहीं है। तो गांधी जी टैलिस्मैन दैट ऑल्सो टॉक्स अबाउट दिस, कि जब भी आप बहुत दुविधा में हो, आपका अहम आपके ऊपर बहुत हावी हो रहा है, तो ये देखो कि जो आप कर रहे हो उससे जो पूरे सेक्शन है उसका कुछ भला हो रहा है नहीं हो रहा। तो गुड ऑफ द इंडिविजुअल इज कंटेन्ड इन गुड ऑफ द ऑल। आर यू अंडरस्टैंडिंग कविता सर? यस सर। चल मेरे भाई जल्दी से पढ़ ले इसको। तो तुम लोग कुछ करते हो ऐसा जिससे कि दूसरों का भी भला हो या सिर्फ अपना ही भला सोचते हो? नो सर, करते हैं। सर सेल्फलेस हैं हम। मैं हेल्पलेस हैं? सेल्फलेस। सेल्फलेस हैं। हेल्पलेस सुन लिया। ओके आगे चलो भाई। टॉलस्टॉय और गांधी जी बहुत प्यार करते थे एक दूसरे को, पत्र लिखा करते थे ये लोग, तो इसको कुछ अलग नजरों से ना देखा जाए। देयर वाज नथिंग होमोसेक्सुअल अबाउट इट, दे वर ट्रू फ्रेंड्स। तो होता ही है, बड़े बड़े लोग बड़े बड़े लोगों के फ्रेंड्स होते हैं। आगे चलते हैं सर। अब यहाँ पे ये चीज देखिएगा, गांधी जी के वर्क्स क्या क्या है। आपको मैंने बोला था यंग इंडिया याद रखना, ये यंग इंडिया कौन से और आदमी के साथ एसोसिएटेड है वो दूसरा चीज है, ये दूसरा चीज है। वो यंग इंडिया किसके बारे में पढ़ा था आपने पहले? तिलक। किसके बारे में था यंग इंडिया? सर तिलक। गोली से उड़ा दूंगा तुम लोगों को। क्या करूं? सर गांधी जी। अरे गांधी सर, एक गांधी जी का था और एक तिलक जी का था। अरे तिलक जी का था, तिलक ही बोला ना आप लोगों ने। वेरी गुड, आगे चलो। यस सर। अरे बाप रे, कॉन्फिडेंस तो देखो छोटू का। नहीं सर, सच में तिलक ही बोला था। बहुत अच्छे। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, इंडियन ओपिनियन और यंग इंडिया, ये दो इंपॉर्टेंट है। इंडियन ओपिनियन जब वो साउथ अफ्रीका में थे तभी उन्होंने लिखा था, यंग इंडिया इंडियन ओपिनियन ये देख लेना है। आगे चलते हैं सर एंड मैम। नेम्स गिवन टू गांधी जी, किसको गांधी जी को क्या क्या नाम दिया गया? ट्रेटर फकीर, विंस्टन चर्चिल, हमें पता है कि वो बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते थे इंडियंस को, तो उन्होंने ऐसा नाम दिया ट्रेटर फकीर। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, राष्ट्रपिता इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको कल भी बताया था कि बोस सर और गांधी जी के बीच में झगड़ा होता था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बोस सर पसंद नहीं करते थे, उन्होंने राष्ट्रपिता फादर ऑफ द नेशन का टाइटल दिया था गांधी जी को। देख लेना स्लाइड। गांधी जी कब गए साउथ अफ्रीका? 1893 गए थे केस लड़ने के लिए, और कहा ही जाता था कि 20-25 दिन में वापस आ जाएंगे, लेकिन वो 20-25 दिन 22 साल में बदल गया, ऐसा होता है।
लेकिन जनरली हमारे लाइफ में ऐसा कब होता है, जब लड़की का चक्कर हो कि गए हैं हम 10 दिन मिलने के लिए, शादी वादी करके वहीं सेटल हो गए, लेकिन ये गए थे नोबल कॉज के लिए। फिर वहां गए, वहां पे बहुत सारी चीजें हुई, वहां पे एक बोअर वॉर हो रहा था। बोअर वॉर मतलब जो ब्रिटिशर्स थे और वहां के जो लोकल पीपल थे उनके बीच में वॉर हो रहा था। उस टाइम इन्होंने काफी हेल्प किया, जो लोग मतलब होते थे ना वॉर के दौरान थोड़े इंजर्ड हो गए उनको हेल्प किया इन्होंने, कॉप्स बना के, एम्बुलेंस कॉप्स। तो इसके कारण इनको कैसर ए हिंद का टाइटल दिया गया। याद ये रखना कि जो कैसर ए हिंद का टाइटल गांधी जी को दिया गया है वो साउथ अफ्रीका में दिया गया था, लेकिन बाद में फिर इन्होंने इसको रिटर्न कर दिया जालियांवाला बाग मैसेकर के दौरान। तो ये कुछ बातें हैं। यहाँ पे देख लीजिए स्लाइड को फटाफट। देख लिया ये जो 1940 है, ये देख लीजिएगा अबाउट कैसर ए हिंद फॉर रेजिंग इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प्स ड्यूरिंग बोअर्स वॉर। ठीक है, आगे चलते हैं सर। गांधी जी साउथ अफ्रीका में कैसर हिंद उनको कहाँ मिला, ये भी ध्यान रखना है। अब वो आए 9 जनवरी 1915 को, और ये जो 9 जनवरी है इसीलिए प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स, प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है सर, ठीक है सर। शुरू के टाइम में वो थोड़ा ऑब्जर्व कर रहे थे कि हो क्या रहा है, तो वो एक्टिव पॉलिटिक्स में पार्ट नहीं ले रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे। उस टाइम जो गोखले सर थे, जो एंड ऑफ द लाइफ उनका आने वाला था, वो उनको थोड़ा गाइड कर रहे थे। फिर बाद में उन्होंने उनको बोला था 1 साल तक कहीं पे पार्टिसिपेट नहीं करने, बी लाइक अ स्टूडेंट। अरे बाप रे, बी लाइक शबनम है कि नहीं। ठीक है, तो ये राजकुमार शुक्ला ने फिर उनको चंपारण बुलाया, और केक जो है वो निमोनिक है जिससे आपको याद रहेगा कि वो कहाँ कहाँ गए। सो सी इज चंपारण, ए अहमदाबाद, और के जो है वो है खेड़ा। ठीक है, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, ये चीज ध्यान रखना। चलो आगे चलते हैं सर। ना गांधी जी थे, फिर पहले चंपारण गए, वो उनका फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था। और वहां वो क्यों गए, क्योंकि जो वहां के फार्मर्स थे वो परेशान थे तीन कथिया सिस्टम से। तीन कथिया सिस्टम का क्या मतलब है सर मैम, कि 3/20 पोर्शन जो लैंड का होता था वो फार्मर्स को रखना पड़ता था इंडिगो कल्टीवेशन के लिए। तीन कथिया, अगर आप लोग हिंदी जानते हैं, आप लोग तो गरीबी नहीं देखी है आपने, मैंने गरीबी देखा है, मेरे को पता है क्या होता है ये सर। तीन मतलब होता है थ्री, कथिया मतलब बाय 20, तो 3/20 पोर्शन जो था लैंड का वो इंडिगो कल्टीवेशन के लिए वो लोग रखते थे। ठीक है, और ये फोर्स करके रखा जाता था। देखो एक चीज होती है, आगे भी जब आप पढ़ोगे, जब थोड़ा वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे, उसमें बोलते हैं कॉन्सेप्ट फ्री विल का। फ्री विल का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि मान लो तुम्हारा घर है, तुम कभी जब चाहो झाड़ू लगा सकते हो, लेकिन कोई तुमको अगर बोले कि झाड़ू लगाना है, सो दैट इज द डिफरेंट सिनेरियो ऑल टुगेदर। तुम अपने मन से झाड़ू लगा रहे हो और तुमको कोई फोर्स कर रहा है झाड़ू लगाने के लिए, बोथ आर नॉट एक्जैक्टली सेम। सो देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री विल, दैट फ्री विल वाज मिसिंग इन दिस चंपारण सत्याग्रह। उनको फोर्स किया जा रहा था कि वो इंडिगो कल्टीवेशन करें। समझ में आ रहा है? यस सर। इस क्वेश्चन को देख लो, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, इजी नहीं है। सर ए तिलक का होम रूल लीग 1916, कोमागाता मारू इंसिडेंट। देखो तिलक का होम रूल लीग अभी धीरे धीरे आएगा, कोमागाता मारू इंसिडेंट 1914, गांधी जी का अराइवल इंडिया में 1915। ऑर्डर कब अरेंज करो सर? सी सर, 3-2-3-1। अभी ढंग से अरेंज करना, सेकंड सबसे पहले 2-1 सर, 2-3-1, ओ सॉरी बी। शबनम, क्या आंख के अंधे हैं सर? थोड़ी देर के लिए हो गई थी। चलिए आगे चलें। यस सर, आगे चलिए सर। हाँ, गांधी जी का जो अराइवल है वो इंपॉर्टेंट है, प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट होता है। अब आगे आते हैं, बात करते हैं हम चंपारण सत्याग्रह की। अभी आपको मैंने बताया उनको बुलाया किसने था, ये नाम याद रखना मेरे भाई, राजेंद्र प्रसाद ने नहीं बुलाया, राजकुमार शुक्ला ने बुलाया। राजकुमार शुक्ला कौन है? मैं जब स्कूल में पढ़ता था, मेरी एक स्टूडेंट हुआ करती थी, मेरे साथ पढ़ती थी एक लड़की, उसका नाम था निधि शुक्ला। बहुत ही अद्भुत लड़की, अद्भुत प्रतिभा की धनी, सारे लड़के उसके पीछे पड़े रहते थे। तो बस याद रखिएगा कि सर की एक थी क्रश थी निधि शुक्ला, उसी तरह से एक आदमी था राजकुमार शुक्ला। याद आ जाती है चीजें, ये सब चीजें पढ़ते हैं ना बचपन, याद आ जाता है। तो राजकुमार शुक्ला याद आ रहा है जी भाई, कौन है राजकुमार शुक्ला? वो निधि शुक्ला से रिलेटेड नहीं है। तो इंडिगो कल्टीवेटर था, उन्होंने बुलाया कि देखिए सर आइए, इधर तीन कथिया सिस्टम हो रहा है, 3/20 पार्ट हमें पोस्ट करके वो कल्टीवेट करवा रहे हैं। फिर वो गए और उन्होंने ये इशू सॉल्व किया। उसमें बहुत सारे लोग उनके साथ थे, राजेंद्र प्रसाद भी थे, ये सब भी थे, कृपलानी सर भी थे। जेबी कृपलानी की वाइफ कौन थी? वो वही था आशा वाइफ, सर फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया
अरे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं था रे, ये प्रेसिडेंट था इंडिया का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, इंडिपेंडेंस के टाइम में। और इनकी वाइफ थी सुचेता कृपलानी, जो मैंने आपको पता करने दिया था कि पता करो सुचेता कृपलानी और सरोजनी नायडू में कौन फर्स्ट वुमेन गवर्नर है, कौन फर्स्ट वुमेन सीएम है। लेकिन तुम लोग पढ़ता लिखता तो है नहीं, ठीक है। कौन सा नंबर होमवर्क है तुम लोगों का ये? हाँ, तो सुचेता कृपलानी और सरोजनी नायडू, इन दोनों के बारे में पढ़िए और पता कीजिए कि फर्स्ट वुमेन सीएम इसमें से कौन है और फर्स्ट वुमेन गवर्नर इसमें से कौन है इंडिपेंडेंट इंडिया का, सुचेता कृपलानी सरोजनी नायडू। डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाएगा, फिर रोते रहना कि सर ने बोला था करने के लिए, मैं तो किया ही नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, आप यहाँ पे देख लेना लोग कौन कौन उनके साथ हैं। आगे चले, उदाहरण सत्याग्रह अभी हमने काफी सारी बातें की, यहाँ पे उनको बापू महात्मा का टाइटल मिला। क्वेश्चन देखो फटाफट, फर्स्ट वुमेन गवर्नर कौन है और फर्स्ट वुमेन सीएम कौन है, फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कौन है, ये दोनों लड़कियां हैं सबनम, और फर्स्ट वुमेन सीएम, वेरी गुड। तो फर्स्ट वुमेन गवर्नर कौन है, फर्स्ट वुमेन सीएम कौन है, ये पता कीजिएगा, ठीक है। yes, sir. जल्दी से आगे चलते मेरे भाई, इसको देख ले यार, आज कितना कम पढ़े हम लोग, देखो इसको आगे चलें। यस सर, चलिए सर, इसको देखो, चलिए सर। कहाँ लेके जा रहे हो मेरे भाई, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट हुआ अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, यहाँ पे क्या हो गया कि एक प्लेग बोनस देते थे ये लोग वर्कर्स को, लेकिन बाद में इन्होंने बोला कि अब कोई प्लेग है नहीं तो क्यों वर्कर्स को हम प्लेग बोनस दें, तो विड्रॉ कर लिया। और वर्कर बोल रहे हैं कि भैया हमसे आप ज्यादा काम करवाते हो, हमारा 35% सैलरी बढ़ाओ। ये सब इशू चल गया, स्ट्राइक पे चले गए वो लोग वर्कर्स। और फिर उसके बाद गांधी जी को बुलाया, गांधी जी ने बोला कि नहीं यार ठीक है, आप जो कर रहे हो, आपका जो डिमांड है वो एकदम वाजिब है, आप करो, मैं फास्ट एंड टू डेथ पे जा रहा हूँ और आपको हाइक मिलेगा, जो आप हाइक चाहते हो आपको मिलेगा, आप लोग बहुत गरीबी में रह रहे हो, आपको सही सैलरी नहीं दिया जा रहा। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में ये ध्यान रखिएगा कि एक और मैडम बहुत एक्टिव थी, अनसुईया साराभाई, बस इतना अभी काफी है प्रीलिम्स के लिए। खेड़ा सत्याग्रह, अब यहाँ पे क्या हो गया कि क्रॉप कल्टीवेशन से रिलेटेड ये, अब तीनों इशू देखो थोड़ा थोड़ा अलग अलग है। खेड़ा सत्याग्रह क्या है, क्रॉप कल्टीवेशन, क्रॉप फेलियर हो गया, और क्रॉप फेलियर के केस में गवर्नमेंट का एक लॉ था कि अगर 25% से कम आउटपुट हो रहा है तो गवर्नमेंट नहीं लेगी रेवेन्यू, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, गवर्नमेंट फिर भी रेवेन्यू मांग रही थी, तो गांधी जी ने इनको बोला कि आप मत दो रेवेन्यू, आप रोक के रखो, देखते हैं होता क्या है। फिर बाद में गवर्नमेंट ने बोला कि जो रेवेन्यू दे सकते हैं वही दें, जो टैक्सेस दे सकते हैं वही दें, बाकी लोगों से जबरदस्ती नहीं लिया जाएगा। वल्लभ भाई पटेल सर खेड़ा सत्याग्रह में एसोसिएटेड है, तो अगेन थोड़ा सा रिवाइज कीजिएगा आपको याद हो जाएगा। ये क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट, गोविंदो 5 मिनट और, ठीक है सर, वन ओनली, सर वन ओनली, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आगे चलते हैं भाई, देख लीजिए उसको। आगे चलें, यस सर, इसको देखिए। क्या आंसर है इसका सर? थ्री ओनली का, तो सर थ्री का तो आपका डी है ये वल्लभ भाई, चंपारण सही है, चंपारण में राजेंद्र प्रसाद आपको दिखाया था, वो थे बुलाया उन्होंने सबसे पहले, नहीं राजकुमार शुक्ला ने बुलाया था, लेकिन चंपारण में वो एसोसिएटेड थे, राइट। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, कि खेड़ा में भी वल्लभ पटेल, हाँ लेकिन अहमदाबाद मिल वर्कर्स में किसी, हाँ वो गलत है, तो आंसर होगा 1 और 3, ठीक है। आगे चले, यस सर, ये वाला क्वेश्चन देखो जल्दी से, सर टू ओनली, ठीक है, फटाफट देख लीजिए इसको सर, हो गया। रॉलेट एक्ट क्या है, अभी हमने देखा था ये वन ऑफ द प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज है, आर्टिकल 22 जब आप पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा और पता चलेगा प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के बारे में, कि आपने कोई क्राइम किया भी नहीं है फिर भी आपको पकड़ के जेल में डाल देंगे 2 साल के लिए। तो ये बहुत ही फालतू का लॉ था, ब्लैक एक्ट बोला गया इसको, और इसके कारण काफी सारा
इशू हुआ, काफी सारे प्रोटेस्ट हुए, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को जेल में डाला जा सकता है 2 साल के लिए, ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं इस पे, इसके कारण क्या क्या स्टोरी हुआ। ब्लैक बिल नंबर 1 पास, ऐसे ही आर्टिकल्स न्यूज में आए, ये ब्लैक बिल है, ऐसे ही जेल भेज देंगे 2 साल तक, कोई गलती आपने की हो तब भी, ना की हो तब भी, देख लीजिए इसको। डन सर, इसको भी देख लीजिए, इससे आपको ये समझ आ जाएगा कि रॉल एट इंपॉर्टेंट है, इतने क्वेश्चंस पूछे हैं यूपीएससी ने। चलें, यस सर, इसको भी देख लीजिए। अभी देखिएगा एक चीज, ये कैसे सॉल्व होता है इस तरह का क्वेश्चन। आपने भी देखा कि मॉन्टैग चेंज फॉर रिफॉर्म्स करके एक एक्ट आया था जो 1919 में आया था, मॉन्टैग चेंज फॉर रिफॉर्म्स, और उसी में आपको ये ध्यान रखना है कि ऑब्वियसली अगर मॉन्टैग चेंज फॉर रिफॉर्म्स जो है वो 1919 के अराउंड आया था, तो ये जो चेंजफोर्ड है ये हमारा वाइसरॉय का जो सेकंड नेम होता है वो वाइसरॉय होता है, और ये वाइसरॉय जो है थोड़ा और पढ़ोगे तो पता चलेगा कि 1916 से 1921 के बीच में ये थे, और रॉलेट एक्ट इसी के बीच में आया है 1918-1919 में, तो ऑब्वियसली ये वाइसरॉय कौन होगा, चेंजफोर्ड ही होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग कोयता सर? यस सर। आगे चलते हैं। अब आपका एक और होमवर्क है कि आपको ये पढ़ना है, कितना होमवर्क हो गया अभी तक आज का? 4 पूरी हुआ है। Read about writs issued under. सर ये आपने उस दिन भी दिया था। पढ़ लिया सारा हैबियस कॉर्पस मैंडमस सर्टियोरारी क्यूपो वारंटो। यस सर। सारा पढ़ लिया। यस सर। अली बाबा। वेरी गुड। चलो फिर आगे चलते हैं। अब क्या हो गया, गांधी ने बोला कि नहीं यार ये बहुत गलत हो रहा है, रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट हम सत्याग्रह करेंगे, रॉलेट सत्याग्रह, और ये स्टार्ट होगा 6 अप्रैल से। लेकिन 6 अप्रैल से पहले ही कुछ घटना हो गया जिसके कारण बहुत दुखी हो गए गांधी जी। गांधी जी बहुत रोने लगे, जब रोने लगे तो उन्होंने क्या किया, पहले इसको सॉल्व करो। मैं भी रोने लगा गांधी जी के साथ, तो मैं इतना भावुक हो जाता। अरे मेरे भाई एक बात बता, नेक्स्ट कल वाले क्लास में भी खत्म होगा कि नहीं होगा हमारा मॉडर्न हिस्ट्री? सर 1। अरे सर, मिस शबनम। यस सर। व्हाट डू यू थिंक, कल वाले लेक्चर में खत्म होगा हमारा? सर हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास भी स्लाइड है ना, तो हम भी पढ़ेंगे तो फिर शायद हो जाए। वेरी गुड, तो आप लोग पढ़ लेना, ये क्वेश्चन आपका फिफ्थ होमवर्क है। सर आई थिंक सर 1, 2 एंड 3 सर तीनों ही होगा। ओके आई थिंक सर, मिस्टर अजीत सर, कि आपको पहले होमवर्क लिख लो कि स्लाइड्स जो है 643 से 990 तक पढ़ लेना फटाफट, इसमें जो डाउट्स होंगे वो पूछ लेना, बाकी जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं बता दूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में किसी भी हालत में सर एंड मैम हमें मॉडर्न हिस्ट्री खत्म करना है, ताकि हम पॉलिटी गवर्नेंस पे जा सकें, फिर ज्योग्राफी पे जा सकें, फिर इन्वायरमेंट पे जा सकें, उससे पहले इकोनॉमी कर लें, एक एक करके हमें सारा इंपॉर्टेंट एरियाज देख लेना है, काफी क्वेश्चन आ जाएंगे इससे। ठीक है, लेस देन 1 मिनट बचा है, वीडियो अपने आप खत्म हो जाएगा, तो यहाँ से आप लोग देख लेना रॉलेट सत्याग्रह, ये वाला पोर्शन जो है कल करते हैं, 6:43 से स्टार्ट करेंगे, याद रखना। ठीक है, कल किसी हालत में। आप फ्री रहेंगे सर? मुझे आपको कॉल करना था। अरे बेटा अभी मत कॉल कीजिए, अभी मैं बताऊंगा जब भी मैं फ्री होऊंगा। ठीक है, ओके सर, मैं बताऊंगा, मैं मैसेज कर दूंगा।